हरे कृष्णा। भगवद गीता ज्ञान पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। तो आज हम भगवद गीता के भक्ति योग अध्याय में से श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की कुछ वार्तालाप के बारे में चर्चा करेंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मा की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए। अर्जुन की इस बात का जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। इस बात का सार केवल यही है कि जीवन और मृत्यु के चक्कर से हमें सिर्फ श्री भगवान ही बचा सकते हैं। हमारे अच्छे कर्म में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल पाए। इसलिए श्री भगवान की भक्ति और पूजा ही सबसे बड़ा साधन है कि हम इस चक्कर को पार कर पाएं।